नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश उत्सव को लेकर गुरुद्वारा से निकाली गई नगर कीर्तन शोभा यात्रा गुरु के रंग में रंगा भ्रमण मार्ग। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में एबीवीपी ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला, सरकार से मांगा इस्तीफा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, विशेषज्ञों ने कहा स्वस्थ रहने के लिए हर्बल मेडिसिन का करें उपयोग। और शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद जिले में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू, एक गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। गुरु नानक देव जी महाराज के 552वें प्रकाश उत्सव को लेकर गुरुवार को नगर कीर्तन भ्रमण शोभा यात्रा निकाली गई। 3 दिनों तक चलने वाले प्रकाश उत्सव को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को जहां भागलपुर गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ की शुरुआत की गई, जबकि श्रद्धालुओं की मौजूदगी में रात्रि के समय कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया था, वही कार्यक्रम के दूसरे दिन गुरुवार को पंच प्यारे के मौजूदगी में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान गुरुद्वारा परिसर से श्री गुरु नानक देव जी महाराज के विशाल चित्र और गद्दी के साथ पांच प्यारे और रागी जत्था की मौजूदगी में नगर कीर्तन किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिख धर्म के श्रद्धालु समेत कई धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि पूरा भ्रमण मार्ग गुरु नानक देव गुरुबाणी समेत सिख धर्म गुरुओं की आस्था के रंग में रंगा रहा। नगर कीर्तन भ्रमण शोभा यात्रा पटल बाबू रोड, भगत सिंह चौक, खलीफा बाग, कोतवाली चौक और स्टेशन चौक से सूजागंज बाजार होते हुए गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। इधर ढोल नगाड़े और बाजे गाजे के बीच झूमते हुए श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी का भजन कीर्तन किया और महिलाओं के साथ बच्चों ने भी स्वच्छता को लेकर पंच प्यारे के लिए सड़कों पर जल छिड़क कर झाड़ू लगाया। बता दें कि शुक्रवार को देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर गुरुद्वारा में अखंड पाठ की समाप्ति के साथ कीर्तन और गुरु का लंगर भी किया जाएगा। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खेमचंद बच्चियानी, सरदार त्रिलोचन सिंह, सरदार हरविंद सिंह भंडारी, सरदार हर्षप्रीत सिंह, शरद व्यास के अलावा सिख धर्म के पुरुष, महिला, युवक, युवती एवं बच्चों के साथ विभिन्न धर्म समुदाय के लोग एवं शहरवासी शामिल हुए। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई की ओर से स्टेशन चौक पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने कहा कि केरल में पिछले कई वर्षों से एक साजिश के तहत वहां के वामपंथी सरकार के द्वारा राष्ट्रवादी विचार के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि केरल के लड़के आतंकवादी संगठन में भर्ती होते हैं और केरल की सरकार देश विरोधी सरकार है, जिसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों भी आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख की हत्या सरकार के सह पर की गई थी, जिसकी विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि देशभक्तों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुनः राष्ट्रीय आंदोलन किया जाएगा। मौके पर एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी कुणाल पांडे, हैप्पी आनंद, नगर मंत्री कपिल शर्मा, सह मंत्री रोजी सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागलपुर नगर इकाई के द्वारा स्टेशन चौक पर पिछले दिनों जो केरल में वहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक देशभक्त कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोगों ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का पुतला दहन किया। ये पहली घटना नहीं है जब विद्यार्थी परिषद या संघ के स्वयंसेवकों की हत्या कर की गई है। पिछले कई वर्षों से वहाँ लगातार देशभक्तों की, राष्ट्रवादी विचार के कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार की जा रही है। पिछले 3 वर्ष पहले हम लोगों ने वहाँ पर एक बड़ा रैली किया था और पुनः लगता है कि मुझे एक बार उस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर इस प्रकार की आप हत्या करते रहेंगे तो वहाँ से आपको उखाड़ करके फेंक देंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई द्वारा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का हम लोग पुतला दहन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं और हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर केरल की तानाशाही सरकार के सह पर वहाँ के लेफ्टिस्ट के गुंडों के द्वारा आरएसएस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का पुतला दहन किया है। भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है।
गौरतलब हो कि वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने राष्ट्र प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने की घोषणा की थी। इधर आजादी के अमृत महोत्सव और चतुर्थ प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर भागलपुर स्टेशन चौक के समीप देशी दवाखाना में रोग मुक्त भारत विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देशी दवाखाना के वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त, डॉक्टर रतन लाल मिश्रा और वैद्य लीला गुप्त ने अपने विचार रखे। इस दौरान शहर के प्रख्यात नेचुरोपैथी विशेषज्ञ देवेंद्र कुमार गुप्त ने प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा से ही कोरोना जैसी महामारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने छात्र छात्राओं के अलावा उपचार कराने आए मरीजों को भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर रतनलाल मिश्रा ने बताया कि स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है कि हम प्रकृति से प्राप्त चीजों का उपयोग सही तरीके से करें। साथ ही कहा कि प्रकृति ने हमें हर्बल मेडिसिन प्रदान की है, जिसका बीमारियों में हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। वही पंडित अनंत शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि आयुर्वेद में भी अधिकतर उन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जो प्रकृति से प्राप्त है। एक दिवसीय संगोष्ठी में जानकारों ने प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता और महत्व पर अपने विचार रखे। मौके पर देशी दवाखाना के वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त ने प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत पंच महाभूत की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। साथ ही बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार में काफी विश्वास था और यही कारण है कि 18 नवंबर 1945 को उन्होंने ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके बाद पहली बार देश में एनडीए सरकार ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने की घोषणा की। इस अवसर पर गोविंद कुमार सिंह, शमशेर आलम, विकास झा समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, जब हम अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ते हैं तो जरूरत पड़ती है। तो एक ये ध्यान रखें, जब मौसम बदलता है तो प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है और आपके विकार को निकालती है। इसे मौसमी रोग में जैसे सर्दी खांसी बुखार आने में उसको पच कर निकलने दीजिए। जैसे आप कच्चे फल को तोड़ के खा लेंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, उसी तरह बीमारी को कच्चे में नहीं दबाना चाहिए, उसे दबाने से बड़े बड़े बीमारियाँ होती हैं। इसे प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसी बात पर प्रभावित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया, जिसका चौथा वर्ष ही चल रहा है 18 नवंबर। पिरपैंती थाना क्षेत्र के इमाम नगर कुचबन्ना एवं पहाड़िया टोली गांव के विभिन्न स्थानों पर पिरपैंती पुलिस ने अवैध शराब को लेकर लगातार सघन छापेमारी अभियान चलाया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने पहाड़िया टोली में सोमिया देवी के घर से पुलिस ने 15 लीटर देशी शराब जब्त किया, जबकि एक की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि पिरपैंती बाजार के अनिरुद्ध पंडित एवं जितेंद्र शर्मा के घर से भी 5-5 लीटर देशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। सुनेंदु सिंह समेत विभिन्न स्थानों से शराब के नशे में 6 लोगों को गिरफ्तार कर पिरपैंती पुलिस ने भागलपुर भेज दिया। वही पिरपैंती थाना प्रभारी संजय कुमार सत्यार्थी ने कहा कि थाना क्षेत्र के अंदर किसी तरह का अवैध धंधा नहीं चलने दिया जाएगा। सनोखर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने गुरुवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिससे बिना कागजात एवं बिना हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने वालों के बीच हड़कंप मच गया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने कागजात और बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाले से जुर्माना राशि वसूला। वहीं सनोखर थाना के ASI अनिल कुमार की अगुवाई में जग बाबा स्थान के पास बिहार झारखंड सीमा क्षेत्र सहुपाड़ा समेत कई स्थानों पर गुरुवार की सुबह से ही वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वालों से हजारों रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किया। वहीं इसको लेकर DSP शिवानंद सिंह ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्ष को वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाया जा सके। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर खुद से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए रानी देवी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रानी देवी ने रामपुर खुर्द के भीम कित्ता, बबलपुर, कौवाकोली, पुरानी सराय, कंजिया, मेहमतपुर समेत कई जगहों पर जाकर लोगों से कुदाल छाप पर वोट देने की अपील कर रही है। बता दें कि रानी देवी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं और उन्होंने फिर से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अपने चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 8 पर कुदाल छाप पर अपना बहुमूल्य वोट देने की अपील की। रानी देवी ने सबका साथ सबका विकास, जनता पर पूर्ण विश्वास, नारी शक्ति समेत क्षेत्र के विकास का भरोसा मतदाताओं को दिलाया। अभी हम रामपुर खुद का पंचायत समिति हैं वर्तमान में और फिर से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। भारी भारी मतों से इस बार मेरा विजय प्राप्त होगा, इसलिए हम पंचायत घूम रहे हैं। इस बार विजय जरूर प्राप्त होगा। सभी लोगों का सपना होता है कि उनका खुद का अपना घर हो। घर भले ही छोटा हो लेकिन खुद के घर को पाना कैसा होता है ये तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिसके पास अपना घर नहीं है। लेकिन आज के महंगाई भरे दौर में जमीन लेकर घर बनाना किसी बड़े ड्रीम को पूरा करने जैसा है। लोगों के इसी सपने को पूरा करने के उद्देश्य से भागलपुर में भूमि कंस्ट्रक्शन काम कर रही है। वही भूमि कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर जयंत सिंह और सन्नी श्रीवास्तव ने बताया कि आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बेच रहे हैं, जबकि भूमि कंस्ट्रक्शन से जुड़े सत्येंद्र बिहारी लाल, भवन कुमार और मुकेश मिश्र ने जानकारी दी कि ये जमीन भागलपुर नाथनगर NH 80 पर है। उन्होंने बताया कि सत्यभामा नगर में आवासीय और कॉमर्शियल दोनों प्रकार की समतल भूमि उचित कीमत पर उपलब्ध है। साथ ही कहा कि प्लॉट लेने वाले को कंपनी की ओर से मुफ्त रजिस्ट्री भी करवाई जाएगी। वही प्रोप्राइटर जयंत सिंह ने कहा कि सत्यभामा नगर में 2100 रुपए वर्ग फीट की दर से जमीन बेची जा रही है। उन्होंने बताया कि इच्छुक लोग नाथनगर बाईपास मेन रोड पर आकर भी प्लॉट देख सकते हैं। यहां लगभग 13 लाख रुपए में एक कट्ठा जमीन मिल जाएगा। सभी लोगों का सपना होता है, छोटे बड़े सभी लोगों का, कि अपना एक घर हो। उसी के तहत हम लोग सजा रहे हैं। हर तरह का रेसिडेंशियल, सामने का कॉमर्शियल प्लॉट है और छोटा छोटा प्लॉट भी काटा गया है ताकि छोटे छोटे ज़मीन पे घर बन सके। 20 से 22 फीट प्रति कट्ठा में फ्रंट हम लोग दे रहे हैं और समय सीमा भी अच्छा खासा दिया जा रहा है। बगल में मार्केट है, आप देख सकते हैं, बगल में भी 10-15 घर ऑलरेडी बने हुए हैं। बाईपास और मुख्य नाथनगर बगल में ही है तो सारा सुविधा है। और उभरते हुए भागलपुर का ये नया भागलपुर है आप लोगों का। भूमि कंस्ट्रक्शन के तहत हम लोग जमीन बेच रहे हैं और NH 80 पे ये जमीन है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे आपका बाईपास 4 लाइन भी इधर से ही गुजर रही है। 1.5 किलोमीटर पे नाथनगर मार्केट है और छोटे बड़े वर्गों को लेके हम लोग जो है, मतलब ये सोच के जमीन को दे रहे हैं। 12-12 फीट का हम लोग डबल रोड दिए हैं, आगे चौड़ाई भी देख के दिए हैं, मतलब जमीन में काफ़ी चौड़ाई दिए हैं। हर कट्ठे में फ्रंट में देख के दिए हैं कि नहीं, एक कट्ठे में भी मकान आराम से बन जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गोराडी प्रखंड के दोनों जिला परिषद सीट पर नए चेहरे ने कब्जा जमा लिया है।
जिला परिषद पद के लिए पश्चिमी क्षेत्र से कहकशा को 9703 मत मिले हैं, जबकि प्रियंका देवी को 8320 मत प्राप्त हुआ है। इस तरह कहकशा ने 1383 मतों से विजय हासिल की। जिला परिषद पद के लिए पश्चिमी क्षेत्र से कहकशा के विजय होने की घोषणा के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। गौरतलब हो कि कहकशा समाज सेवी मून की माँ है। इधर अपार समर्थन मिलने पर कहकशा ने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसे जनता की जीत बताई, जबकि माचीपुर के समाज सेवी सलमान अख्तर, फैजान अख्तर और नाजनी नाज ने कहकशा की जीत पर बधाई दी। साथ ही कहा कि ये जीत समाज में बदलाव की जीत है। वहीं सलमान अख्तर ने बताया कि चुनाव में मून की मेहनत भी काबिले तारीफ रही है। नौगछा के रंगरा प्रखंड से जिला परिषद सीट पर एक बार फिर शबाना आजमी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं शबाना आजमी के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से विजय घोषित होने पर समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इधर चुनाव परिणाम आने के बाद जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद रागिब हसन ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य शबाना आजमी को जीत की बधाई दी है। सैयद रागिब ने बताया कि जनता ने क्षेत्र में शबाना आजमी के बेहतर काम को देखकर ही दोबारा मौका दिया। वहीं जाप के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि शबाना आजमी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सीट पर दोबारा जीत हासिल करके शबाना ने यह साबित कर दिया है कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। जबकि सैयद रागिब हसन ने कहा कि जाप नेत्री शबाना आजमी के विजय घोषित होने पर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं के बीच खुशी है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश उत्सव को लेकर गुरुद्वारा से निकाली गई नगर कीर्तन शोभा यात्रा गुरु के रंग में रंगा भ्रमण मार्ग। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में एबीवीपी ने फूका मुख्यमंत्री का पुतला, सरकार से मांगा इस्तीफा। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, विशेषज्ञों ने कहा स्वस्थ रहने के लिए हर्बल मेडिसिन का करें उपयोग। और शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद जिले में अवैध शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू, एक गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।